हमें एक शेल्टर बनाना ही होगा। चलकर बाइक पर पैराशूट बांध देते हैं। बहुत अच्छे दोस्तों, इसके वजह से हम आंधी से बचेंगे। हमें बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम सबसे अच्छे हो। सच कहूँ तो इससे कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि देखा जाए तो अभी हम सबको मदद की जरूरत है। मुझे इस फोन को ठीक करके नानू को कांटेक्ट करने का रास्ता ढूंढना ही होगा। वो हमारी एग्जैक्ट लोकेशन देख पाएगा। मुझे बस इसके सिस्टम पर काबू पाना होगा और सैटेलाइट के सॉफ्टवेयर को कॉन्फ़िगर करके लोकेशन को अच्छे। ओहो, ये अब भी काम नहीं कर रहा। हाँ? थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है। आखिरकार मैंने अभी मदद के लिए मैसेज भेजा है। जैसे ही वो मैसेज देखेंगे वो मदद भेज देंगे। लगता है हम तक किसी को भी पहुँचने में काफी वक्त लगने वाला है। मैंने कुछ सुना, शायद वो आ गए। मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया, शायद तुम्हारे कानों में धूल फंस गई है या शायद तुम्हारे दिमाग में धूल जम गई है। उबेद, जैसा कि तुम देख सकते हो यहाँ मीलों दूर तक कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। सालिम, सालिम क्या ये तुम ही हो? ये कौन है दोस्तों? ये मेरा भाई है तुर्की। देखा, तुमने अभी अभी कहा कि यहाँ पर मीलों तक कोई नहीं है, पर तुम्हारा भाई आ गया। तुमने हमें ढूंढा कैसे तुर्की? तुम्हारी मदद का जो सिग्नल है वो मुझे यहाँ तक ले आया। तुम यहाँ आंधी के बीच में कैसे आ गए, बताओ? क्या बात है, वो आ गए। मॉम डैड जल्दी आइए। मुझे खुशी है कि तुम सब सुरक्षित लौट आए। बच्चों बताओ तुम आज क्या करना चाहोगे? बीच चले? वहाँ ज्यादा रेत नहीं होगी। तो फिर कहाँ जाना है? हमें लौटकर जाना है। ये हमारी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन होगा। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, हमें इस पार्क के सबसे बड़े, सबसे ऊंचे, सबसे डरावने झूले पर जाना ही होगा। हाँ चलो, सबसे बड़ी, ऊंची और डरावने झूले पर चलते हैं। इस वाले पे। चलो जाकर मजे करते हैं दोस्तों। वाओ, मजा आ गया। ये बढ़िया है ना दोस्तों? सच में ये राइड बढ़िया है, बहुत मजा आ गया है ना दोस्तों? चलो फिर से चलते हैं, चलो चलो। ये क्या है, बहुत बोरिंग राइड थी, मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया। मैंने सच में सोचा कि वो बड़ी मजेदार और तेज होगी। सालिम देखो, छोटे बच्चे भी हमसे आगे निकल गए हैं। हाँ हमें डरावनी राइड पर जाना है। हाँ बहुत ही डरावनी राइड पर। ठीक है रुक जाओ, मैं जाकर बाकी झूले देख के आता हूँ। क्यों ना हम वेव पूल पर चले। चलो मेरे पीछे आओ। वाह भाई क्या मजेदार है। ओह ये बड़ा वाला निकला, क्या बात है।
सालिम, ये भी बकवास है। फ्री में आइसक्रीम। आइसक्रीम कहाँ कहाँ है फ्री की आइसक्रीम बताओ। जरूर वो इस वक्त मजे से आइसक्रीम खा रहा होगा। या वो मस्त कहीं सो रहा होगा। तो पहले कौन जाएगा? सालिम, क्या तुम पहले जाना चाहोगे? क्या? मैं? चलो मैं? आगे बढ़ो सालिम, डरो मत। नहीं सालिम, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। मुझे जाना है, तुम हटो। तुम नहीं जाना चाहते तो हम चले जाएंगे सालिम। शुक्रिया दोस्तों। पता है क्या, मुझे लगता है मैं ये कर सकता हूँ, अब डर नहीं लग रहा। अरे वाह, तुमने मन बदल लिया। क्या तुम्हें पूरा यकीन है? सुनो, हम पहले जाते हैं ताकि तुम देख सको कि ये कितना आसान है। हम तुम्हें नीचे मिलेंगे सालिम। हाँ नीचे मिलते हैं। आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए सालिम। तुम तब से अब तक यहीं पर हो दोस्त। अपनी बारी के लिए रुका था, अब चलता हूँ। ऐसा मत करो सालिम, मैं गलती से फिसल गया था। मुझे बचाओ। ये था ना मजा आएगा। मुझे खुशी हुई तुम्हें मजा आया। चलो फिर से चलते हैं। ठीक है फिर से चलते हैं। बिल्कुल नहीं, मैं फिर से उसमें नहीं जाऊंगा। चलो उबेद, हमें इस तरफ चलना है। नहीं नहीं शुक्रिया, मैं तो बच्चों के पूल में ही ठीक हूँ। Mazo!
मेरा आज तक का सबसे महान आविष्कार है। सच में ये तो न्यूरोसाइंस की परिभाषा बदल देगा। अब बस मुझे एक ही चीज करनी है, वो है आयो। ये क्या? कौन हो तुम? मैं कौन हूँ? हेलो अली सर। हेलो सर। सर ने कुछ बनाया है। ये क्या है? इसे तो देखो। ये है क्या? ये नया प्रोजेक्ट है सर, जिस पर आप काम कर रहे थे। मुझे नहीं पता। ये क्या करता है? पता नहीं। आप चाहे तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। ठीक है। बगर काले, अगर हम इस डायल को 9 तक ले जाए और फिर इसे 5 तक ले जाए, पिज्जा चलेगा। और इस वाले को ऊपर तक लेके आओ। शवरमा कैसा रहेगा? ठीक है, तो हमें बस इस बटन से क्या होता है वो पता लगाना है। दोस्तों, भूख लगी है। हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं: बर्गर, पिज्जा या ओबेद। तुम ठीक हो? तुम मुझसे बात कर रहे हो? कौन हो तुम? मैं कौन हूँ? ओबेद कौन है? ओ, कोई तो मेरी मदद करो। हिलना मत। कहाँ हिलूं? कहाँ जाऊं मैं? मुझे तो पता भी नहीं मैं कहाँ हूँ। मैं यहाँ कैसे आया? मैं क्या कर रहा हूँ? या शवरमा, हम क्या खाएंगे? चलो भी, हम सारा दिन सोचते थोड़ी ना बैठेंगे। ये एक मेमोरी जैपर है, चल के इससे मस्ती करते हैं। ओए, झूले पर बैठे बच्चे, सुन, अब से ये पार्क मेरा है, समझ गया ना? चल निकल यहाँ से। इनके लिए इतना काफी है, एक और हो जाए। दोस्तों, मैं यहाँ कैसे आया? बताओ मैं कैसे आया यहाँ? दोस्तों, दोस्तों, वो देखो, वो तो चोर है। म्यूजियम में हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। सालम, जल्दी पुलिस को फोन करो। प्लान याद है ना तुम्हें? जब माल मिल जाए तब खिड़की पर लौट आना, ठीक है? और फिर तुम्हें बस कहना होगा कोड वर्ड और मैं तुम्हें ले जाऊंगा। ओके बॉस। तुम्हें कोड वर्ड याद तो है ना? हाँ। कोड वर्ड है कौन हूँ मैं? आप कौन है? कौन है आप? मैं जानता हूँ मैं कौन हूँ। मैं तो तुम्हें कोड वर्ड बता रहा था। कौन हूँ मैं, वही कोड वर्ड है। ओ, समझा। और अगर तुम्हें मुझे रुकने को कहना है तो तुम्हें याद है ना उसके कोड वर्ड क्या है? मैंने तुम्हें पहले नहीं दिखा। बिल्कुल सही। तो चलो अब काम शुरू करें। उन्होंने कहा वो अभी आ रहे हैं। बढ़िया है, मतलब हमारा काम हो गया। अब हमें बस उनके आने का वेट करना है, फिर हम जा सकते हैं, है ना? मंसूर, मुझे लगा ही था कि जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे इसी का हाथ है। माल मिल गया है। आई रिपीट, माल उठा लिया। नीचे वाली खिड़की पर आ जाओ, कोड वर्ड कह देना और मैं बाहर ही मिलूंगा। जैसा आप कहें। तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? यही तो कोड वर्ड है।
मैं अभी आ रहा हूँ। तुमने ये पूछा क्यों? तुम मुझे नहीं जानते? मैंने पहले तुम्हें नहीं देखा। लड़कों सब ठीक तो है ना? और मैं कौन हूँ? अच्छा मैं आ रहा हूँ। आप जहाँ भी हैं रुक जाइए, मेरा मतलब हम आपको पहचानेंगे कैसे? बहुत हुआ। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम वहाँ क्यों खड़े हो? आगे बढ़ो, हमें यहाँ से निकलना होगा। ओ नहीं, मंसूर, मंसूर ये मशीन मुझे दो। तुम कौन हो और मैं तुम्हें मेरा ये क्या है? इन्होंने देख लिया, पकड़ो इन्हें। मंसूर हम पकड़े गए। मंसूर कौन है? तुम्हें कुछ याद नहीं? मुझे वो मशीन दो जल्दी। मैं नहीं दूंगा, तुम जबरदस्ती नहीं कर सकते, समझे? कौन हो तुम? अच्छा ये बात है, तुम कौन हो? तुम खड़े मुंह क्या देख रहे हो? पकड़ो उन्हें। किसे पकड़ूं? मुझे दो। मैंने कहा दो। उन लड़कों को। वही तो मैं भी कह रहा हूँ, पकड़ो उन्हें। बहुत बढ़िया, क्या चीज बनाई है तुमने। अब तो मैं रईस होने वाला हूँ, मुझे बस तुमसे अब छुटकारा पाना होगा। ओ मंसूर, भागना बंद करो। रुक जाओ, रुक जाओ, मैंने कहा ना भागना मत। मैं कहाँ हूँ? म्यूजियम में। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा, पहले यहाँ से निकलना होगा। अब ज्यादा देर नहीं बचोगे तुम। मैं कहाँ हूँ? तुम मुझसे बात कर रहे थे? मैं जानता था वो तुम ही थे इन हरकतों के पीछे, और अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। बहुत बढ़िया, माजी डायमंड गैंग को आखिरकार पकड़ ही लिया। अब तो हमें भी पता चल गया कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना किसे कहते हैं। सच में कभी कभी अजीब चीजें होती है। वैसे जानते हो आज कौन अजीब तरीके से बिहेव कर रहा था? पता है, मैं जानकार तो नहीं हूँ, पर एक बात पक्की है, आप बड़े ही हैंडसम हैं अली सर। मैं दिन भर आपको देख सकता हूँ।
बहुत अच्छे हो उबेद। मेरा भी हो गया। तुम्हारा हुआ मंसूर? अभी नहीं, होने ही वाला है। अच्छा, क्या तुम बताओगे कि तुम क्या कर रहे हो? मैं नानो का माइक्रोचिप अपग्रेड करूंगा। इस अपग्रेड के साथ वो बेहतर दिखेगा और ज्यादा समझदार हो जाएगा और वो उड़ भी पाएगा। क्या मजा आएगा सच में। कैसा लग रहा है नानो? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक उड़ता रोबोट। नानो, तुम दुनिया के सबसे अच्छे आविष्कार हो। जल्दी करो मंसूर, जल्दी करो। हो गया, मुझे बस अब दो काम करने हैं और चिप इंस्टॉल करते ही तैयार हो जाएगा। पर पहले नानो को शट डाउन कर दूं। हम बहुत जल्दी मिलेंगे नानो। बाय, गुड नाइट। और अब बस मुझे कुछ पीने के लिए लाना है। उबेद, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं शुक्रिया, मेरे लिए मेरे बैग में है। उबेद, मेरे आने तक कुछ छूना नहीं। नहीं नहीं, मैं कुछ भी नहीं छूऊंगा, ठीक है? उबेद, हाँ? तुम किसी चीज को छू तो नहीं रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं। सब कुछ ठीक है ना? हाँ? और अब वक्त आ गया है नानो 2.0 का। नानो 2.0 ड्यूटी पर हाजिर है। हेलो नानो, कैसा लग रहा है तुम्हें? मुझे अच्छा लग रहा है। नया चिप एक्टिवेट हो चुका है। ये थोड़ा अजीब लग रहा है ना? हाँ, और उसकी आँखों को क्या हो गया है? पता नहीं। क्यों बर्ताव कर रहा है? पक्का इसके सिस्टम में वायरस होगा। इसे शटडाउन करना होगा। अब मुझे कोई शटडाउन नहीं कर पाएगा। बुक वापस दो। मैं देखना चाह रहा था कि ये स्कूल बुक थी। उड़ती है क्या? बिल्कुल भी नहीं। उसे फेंकने की हिम्मत मत करना। सब यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें दिख नहीं रहा मैं काम कर रहा हूँ? बाहर जाओ चुपचाप। हाँ? हाय, तुम लोग खेलना चाहोगे? नहीं। हम तो गए।
हेलो बच्चों। हेलो हेलो हेलो। केक यही रख रही हूँ ताकि तुम लोग बाद में खा सको। केक कौन खाना चाहता है? नहीं नाना, नहीं प्लीज नहीं। ओबे, तुम ये केक के साथ क्या मस्ती कर रहे हो? नानो ने किया। पता नहीं तुम क्या कह रहे हो उबेद। उबेद, झूठ मत बोलो, अब चलो खुद को साफ करो। मुझे माफ करिए। सच में ये केक तो बड़ा टेस्टी है। उबेद, ये क्या गंद मचा दिया? कैसे हो बच्चों? उबेद, तुमने केक खाया? मरियम, मेरी टाई कहाँ पर है? मुझे 10 मिनटों में एयरपोर्ट पहुँचना है। मुझे बताना तुम्हारे डैड बिना इसके एयरपोर्ट कैसे पहुँचेंगे? नहीं नानो, मेरे डैड लेट हो जाएंगे। तुमने भी कमाल कर दिया। तुम्हें सच में लगता है क्या तुम मुझे रोक लोगे? मुझे मदद चाहिए, जल्दी से पाइप पकड़ो। बच्चों, शैतानी बिल्कुल मत करना। हाँ, इस चिप में जूस भरा हुआ है, ये कैसे हुआ? यकीन नहीं होता तुमने ये किया उबेद। मैंने कहा था ना कुछ छूना मत। मैंने किसी को भी नहीं छुआ था। झूठ मत बोलो। ओए, मुझे माफ कर दो मंसूर, ये एक हादसा था। अच्छी बात ये है कि चाबियां मिल गई। सही कहा, बस अब उम्मीद है नानो काम करने लग जाए। नानो 2.0 आपकी ड्यूटी में हाजिर। कैसा लग रहा है नानो? अच्छा लग रहा है, शुक्रिया मंसूर, शुक्रिया। तुम कुछ तोड़ोगे तो नहीं ना, या किसी का होमवर्क लेके उड़ तो नहीं जाओगे? समझा नहीं, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? नानो, तुम्हें चीजें कैसी ठीक करनी है आती है ना? हाँ, इस नए अपग्रेड के बाद बिल्कुल आती है। ओह, पता नहीं ये कैसे हो गया। Thank you.
उबेद, अब बस करो गेम खेलना। हमें जाकर कल के फुटबॉल मैच के लिए प्रैक्टिस करनी है। लेकिन मैं लेवल 5 पार करने के बहुत करीब हूँ। उबेद, पकड़ो। शुक्रिया, माफ कीजिए। काश मैं फुटबॉल खेलने में भी उतना ही अच्छा होता जितना कि मैं बतख उड़ाने में। मुझे आइडिया आया। तुमने मुझे एक नए इन्वेंशन का बेहतरीन आइडिया दिया है। मुझे वार्म अप की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी कौन सा तुम लोग जीतने वाले हो? हाँ, देख लेंगे। हेड्स या टेल्स? हेड्स, नहीं टेल्स। हेड्स, टेल्स, हेड्स। हेड्स। पहले तुम्हारी टीम किक ऑफ करेगी। अच्छी कोशिश थी उबेद। हाँ, तुम दुनिया के सबसे अच्छे किकर हो। पर सर, खेलते रहो बच्चों। हमें गोल करना ही होगा। मुझे तो बिल्ली नहीं दिखी। ओ, मुझे लगा बिल्ली थी। गोली किक करो। ये सही नहीं है, वो चीटिंग कर रहे हैं। बच्चों, हाफ टाइम हो गया। ये लोग कितनी ज्यादा चीटिंग कर रहे हैं। हाँ, और ऐसा करने के बाद भी इन्हें कोई कुछ कह नहीं रहा। यकीन नहीं होता, मुझे बहुत प्यास लगी है। देखो दोस्तों, हमारी गेम फेयर है,
क्योंकि हम अब भी जीत सकते हैं। दोस्तों मैच अब भी बाकी है, चलो जाकर पूरी जान लगाकर खेलते हैं। हाँ बिल्कुल, चलो। सेकंड हाफ शुरू करो। ज्यादा बुरा और क्या हो सकता है? यही हो सकता है। अब हम क्या करेंगे? आइडिया, मैं अभी आया। अब तो हमारी जीत पक्की है, इनके पास सब्स्टिट्यूट भी नहीं है। क्या कहा? कौन? ये इनका सब्स्टिट्यूट है। ये एक टिन का डिब्बा। उबेद, इसे पहन लो, फिर तुम रोबोट चला पाओगे। उबेद, शुरू हो जाओ। मैंने इससे ज्यादा अजीब चीज कभी नहीं देखी। चलो गेम शुरू करो। उबेद, गेम खत्म होने में कुछ ही मिनट बचे हैं। उबेद, हाँ? ऐसा सोचो कि ये तुम्हारी बतख वाली गेम है। हाँ? ठीक है, अब मैं तैयार हूँ, चलो खेलें। अच्छा खेल रहे हो। पास करो, मुझे दो, मेरा मतलब रोबोट को। क्या बात है, बहुत बढ़िया। हम जीत सकते हैं, चलो दोस्तों। क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलो हम ये मैच जीत सकते हैं दोस्तों।
समाज में परिवार जरूरी है। आपके पेरेंट्स आपके लिए जो कुछ भी करते हैं, आप उनकी इज्जत और कदर कर सकें, इसलिए हम आपको उनकी जगह पर रखने वाले हैं। इन चूजों को अपने घर ले जाकर इनकी देखभाल करो। मजा आएगा। ओ वाह। फिर आप अपने अनुभवों के बारे में एक रिपोर्ट लिखेंगे। क्या किस्मत है तुम्हारी, तुम दोनों को ये अंडे मिलेंगे जो बस फूटने ही वाले हैं। तुम्हारा इनसे रिश्ता बहुत मजबूत होगा। क्या बात है, मुझे नहीं लगता ये असाइनमेंट ज्यादा मुश्किल होगा। ये देखभाल का काम आसान नहीं है। पता नहीं, मुझे तो ये इतना मुश्किल नहीं लगता। ये तो जहाँ मैं जाता हूँ पीछे पीछे आता है। देखो देखो कितना आसान है। ये असाइनमेंट वाकई में दिलचस्प होगा, पर मैं इससे भी ज्यादा दिलचस्प चीज पर काम कर रहा हूँ। चलो हम घर चले। दोस्तों, ये रे गन दुनिया भर की भूखमरी की तकलीफ को मिटाने में बहुत मदद करने वाला है। जब मैं इस छोटे से चावल के दाने पर इसे चलाऊंगा तो इसका साइज हजार गुना बढ़ जाएगा। तुम बस देखते रहो दोस्तों। इसमें बस एक ही दिक्कत है, वो है इसका निशाना। मैंने इसे अभी ठीक किया, अब ये बिल्कुल परफेक्टली काम करेगा, बस देखते जाओ। ये अपनी साइज से हजार गुना ज्यादा बढ़ने वाला है। क्या तुम इस पर अब भी काम करना चाह रहे हो? जल्दी, इस चूजे को वक्त रहते ही यहाँ से निकालना होगा। मदद करो। जल्दी। इस बार तुम सबने ये कैसी मुसीबत खड़ी कर दी? तुम्हें कैसे पता चला हम यहाँ हैं? ये बात तो हर कोई जानता है। तुम हर न्यूज चैनल पर हो, देखो। अच्छा, हम इसे ठीक कर सकते हैं। हमें बस रेगन के असर को रिवर्स करना है और मैं इस चूजे को फिर से छोटा कर दूंगा। अच्छा प्लान है, मगर तुम्हें ठीक से निशाना लगाना पड़ेगा। कस के पकड़ो। तुम्हारे इस रे गन के असर को पलटने में कितना वक्त लगने वाला है? ज्यादा नहीं।
ये तुम क्या कर रहे हो मंसूर? मैग्नीफाइंग ग्लास को पलट रहा हूँ। तुम क्या कर रहे हो? इसका निशाना ठीक कर रहा हूँ। मंसूर जल्दी करो। हो गया। जल्दी करो निशाना लगाओ। मुझे इसे टेस्ट करना होगा। साइंस के कामों को कभी इतना आसान नहीं समझना चाहिए ओबेद। देखा जाए तो नहीं कामे दीरी कैसी। ये क्या हो रहा है? शायद तुम्हें फिर से कोशिश करनी चाहिए। ध्यान से। नहीं। मैं इसका निशाना ठीक किए बिना इसे चलाने का रिस्क नहीं ले सकता। तुम्हारे पास बहुत कम वक्त है, इसे ठीक करके निशाना लगाओ जल्दी। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। वो आ गया। मंसूर प्लीज इसे ठीक करो, वरना वो चूजा जिंदगी भर हमारा पीछा करेगा। हाँ, और वैसे भी और कितना वक्त लगेगा मंसूर? कर्कूर के खाने का टाइम हो गया है। ओबेद, तुम इस बेचारे चूजे को अपने साथ क्यों लेकर आए हो? वो बहुत डर गया होगा। मैं और करता भी क्या, कर्कूर मेरे पीछे पीछे घूमता है। ये ऐसे ही होते हैं, अगर ये अंडे से निकलते ही तुम्हें देख ले तो तुम्हें अपनी माँ मान लेते हैं। तो ये बस तुम्हारे पीछे घूमता है? हाँ। मतलब तुम्हारे पीछे आता है? हाँ। तुम दोनों एक ही बात बार बार क्यों कह रहे हो? बिल्कुल वैसे ही जैसे वो चूजा हमारा पीछा कर रहा है। हाँ? जैसे मेरा चूजा भी तो दिन भर हमारे पीछे ही है। वही तो। हम जान गए इसे क्या चाहिए। हमें बस इसे एक मैदान में ले जाना है ताकि मैं इसे वापस नॉर्मल साइज का बना सकूं। तो प्लान क्या है? चलो पार्क चलते हैं। मंसूर, तुम्हें यकीन है ये करना ठीक होगा? मुझे भी नहीं पता, मैं खुद नहीं जानता ये ठीक है या नहीं, पर हमारी बनाई मुसीबत हमें खुद ही ठीक करनी होगी। मेरे पास आओ मेरे दोस्त। जल्दी चलाओ मंसूर, जल्दी चलाओ। जल्दी चलो। देखो इसे बस यही चाहिए था, थोड़ा सा प्यार। मैं देखना चाहूंगा तुम अपनी रिपोर्ट में क्या लिखोगे। मेरी रिपोर्ट? मुझे नहीं लगता बली सर चौकेंगे। Thank you.
ओबेद। ओह, होता है, होता है। ऐसे तो हम रेस हार जाएंगे। हाँ तो उसमें इतनी भी बुराई क्या है? वैसे भी तुम सब ये रेस हारने ही तो वाले हो। ये तो रेस के एंड में ही पता चलेगा। इसी को तो कहते हैं सिक्स सेंस। हाँ पर जब तक सारे फेयर खेलेंगे तब तक रेस में मजा आएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, गुड लक टू यू मंसूर। हाँ। अगर जीतना चाहता है तो उसे लक की बहुत जरूरत है। ऐसे बैठे मत रहो, तुम भी कुछ करो। हाँ क्यों नहीं। जमील, जमाल, दूसरी तरफ घुमाना है। बस उन्हें हल्का सा ढीला कर दो, हम नहीं चाहते कि पहिया निकल जाए। उससे वापस लगाओ, उससे वापस लगाओ। पर मैंने तो सोचा कि हमें जल्दी करो भाई। हाँ ठीक है। पर तुमने तो स्क्रूज अच्छे से टाइट किए ही नहीं, क्योंकि असली प्लान यही करने का था। मैं समझा नहीं। याद रहे ये एक टीम रेस है, हमें 5 झंडे ढूंढने हैं फिनिश लाइन पर पहुंचने से पहले, वरना हम हार जाएंगे। नो टेंशन, मैं हूँ ना। ओबेद, गाड़ी तुम चलाओ, झंडे मैं पकड़ूंगा। चलो चलो जल्दी चलो। नहीं, आगे मुड़ना था, मैं कहने वाला था आगे से मुड़ना है, तुमने पूरी बात सुनी ही नहीं। ये हमारा झंडा है। एक झंडा तो मिल गया। पहुंचने वाले हैं, तैयार हो जाओ। अब हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। हमें और झंडे उठाने होंगे। तुम सुरक्षित हो। हम्म।
अब नहीं रहा। पकड़ लिया। ब्रेक मारो। झंडा मिल गया। झंडा मेरे पास ही है। लगता है अब मुझे ये ड्राइविंग समझ आ गई है। हम पर छोड़ दो। जैक लगाओ। हाँ ठीक है। पाना ये लो। नट ये लो। एक टावल। टावल चलो भाई पसीना पोंछो। ठीक है चलो हो गया। चलो जाओ जल्दी करो मंसूर निकलो। शुक्रिया। अब हमारे जीतने का वही एक रास्ता है। दोस्तों तुम दोनों के बिना हम ये नहीं कर पाते।
रुको, तुम्हारे डाइटिंग के प्लान का क्या हुआ उबेद? तुमने सही कहा, इसे आइसक्रीम नहीं मिलेगी। मैं पूरी तरह से हेल्दी खाना खा रहा हूँ, पर उसका ये मतलब नहीं कि मैं इसे देख भी नहीं सकता या उसके सपने भी नहीं देख सकता। हेलो दोस्तों। हेलो शमा। गेस करो थोड़ी देर पहले मैंने क्या देखा? तुमने उबेद को आइसक्रीम शॉप की खिड़की चाटते हुए देखा है ना? नहीं, मैं बस थिएटर से लौट रही हूँ और मैंने रोबो ड्रैगन देखी, वो भी 3D में। इसे क्या हो गया? कुछ भी नहीं, ये बस बहुत एक्साइटेड है रोबो ड्रैगन के लिए, उसे देखने के लिए तड़प रहा है। सच में बहुत बहुत एक्साइटेड। पर हम अभी नहीं देख पाएंगे क्योंकि किसी का तो डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट है। और हमने फैसला किया था कि हम सब वो फिल्म साथ में देखेंगे। बेचारा सालिम, उसे रुकना पड़ेगा, वो भी 3 घंटे, तब जाकर वो फिल्म देख पाएगा। 3 घंटे पूरे, मुझे उसे अभी देखना है। मैं तो चली शॉपिंग करने। मैं जानती हूँ तुम्हें वो फिल्म बहुत अच्छी लगेगी, यकीन मानो मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम्हें इंतजार का फल जरूर मिलेगा। बाय 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 शम्मा, बाद में मिलेंगे। मुझे यकीन नहीं होता कि उसने हमसे पहले फिल्म देख ली। रिलैक्स, तुम भी जल्दी देख ही लोगे सालिम। रिलैक्स, तुम भी जल्दी देख लोगे। ठीक है, अब चलता हूँ, बाद में मिलेंगे, बाय। सकते और किसी को पता भी नहीं होगा। और उबेद, नहीं नहीं नहीं, अब चलो भी, हमने साथ में मूवी देखने का फैसला किया था। चलो ना मंसूर, चलकर अभी देख लेते हैं प्लीज। नहीं मतलब नहीं होता है सालिम, वादा वादा होता है। पर मंसूर, मुझे रोबो ड्रैगन देखनी है इस वक्त। देखो देखो, उन सब ने वो फिल्म देख ली है मंसूर, मैं मिस नहीं कर सकता। हाँ सालिम, देखो। उबेद, धोखेबाज चीटर। उसने हमारे बिना फिल्म देख भी ली। वो तो तुम ही चाहते थे, उसके बिना फिल्म देखना चाहते थे। हाँ, चाहने और देखने में फर्क होता है, और उसने तो देख भी लिया। ठीक है, चलो चलकर देखते हैं वो क्या सफाई देता है। हेलो उबेद। हाय शम्मा। डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट कैसा था? उन्होंने मेरे दांत से कीड़े निकाले और फिलिंग डाल दी, तो मैं 1 घंटे तक कुछ नहीं खा सकता। बड़े दुख की बात है, पर हे, इसकी अच्छी बात ये है कि अब तुम फिल्म देख सकते हो। उबेद, तुम यहाँ मिलोगे सोचा नहीं था। तुम कैसे हो? सब कैसे है? क्या चल रहा है? सब अच्छा चल रहा है। अच्छा, तो डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट कैसा था? बहुत मजा किया होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। समझ गया, तो क्या तुम तैयार हो फिल्म दोबारा देखने के लिए? दोबारा देखने के लिए? झूठे, तुम्हारे बलून्स कहाँ गए? और आइसक्रीम का क्या, तुम अकेले खा गए? मंसूर, इसे क्या हुआ? हमने सब देख लिया उबेद। क्या देखा? हमने तुम्हें निकलते देखा है, वो भी एक बड़े से रोबो ड्रैगन के बलून के साथ। तुम्हारे हाथ में आइसक्रीम भी थी। हाँ? नहीं, मैं कहीं नहीं गया और ना ही मैंने कुछ खाया। मैं तो अभी अभी डॉक्टर के यहाँ से आया हूँ। आ आ, देखो देखो, मेरे दांत में फिलिंग है, फिलिंग। मना मत करो उबेद। हाँ? ये दोनों मुझसे ऐसी बात क्यों कर रहे हैं जब मैं सच कह रहा हूँ? घबराओ मत उबेद, मुझे तुम पर यकीन है। वो रहा सबूत, देखो। वो मेरी जैसे दिखता है, मैं उसके जैसे दिखता हूँ, मतलब हम दोनों एक जैसे। मेरे ख्याल से उन दोनों ने उसे थिएटर से निकलते वक्त देखा होगा और उन्हें लगा कि तुम हो। हाँ, तुम सही हो। सुनो दोस्तों। रुक जाओ, मेरे पास एक आइडिया है।
परेशानी के लिए माफ़ी चाहूँगी, पर मैं तुम्हें अपने दोस्त से मिलवाना चाहती हूँ। हेलो दोस्त, कैसे हो तुम? मेरा नाम उबेद है। हेलो उबेद, और मैं हूँ उमर। उमर, हम अपने दोस्तों से मजाक करना चाहते हैं, जिसके लिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए थी, क्या कहते हो? अच्छा सुनो, मुझे तुम दोनों से ना कुछ बात करनी है। ठीक है गाइस, तुम दोनों ने उबेद पर उसकी डाइट से चीट करने का इल्जाम लगाया है, तो तुम दोनों को ये दिखाने के लिए कि वो हेल्दी हो गया है और वो बेहतर हो रहा है, उबेद तुम्हें एक रेस के लिए चैलेंज करना चाहता है। क्या तुम हमसे मजाक कर रहे हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। रेस लगाएंगे मॉल की एक तरफ से दूसरी तरफ तक। पर उबेद, तुम तो जानते ही हो कि कौन जीतेगा। रेस लगाओ, देख लेंगे। उबेद, अगर तुम मॉल के एक तरफ से दूसरे तरफ हमसे पहले पहुंच गए तो मैं तुम्हें पॉपकॉर्न दिलवाऊंगा। ठीक है, पर याद रखना, क्योंकि मैं लार्ज वाला लूंगा। ठीक है, आओ देखते हैं। ठीक है फिर, तुम इस तरफ से जाओ और उबेद तुम इस तरफ से जाओगे, ठीक है? जो सबसे पहले एंड तक पहुंचेगा वो रेस जीत जाएगा। ये तो मक्खन होने वाला है। सही कहा, ये वाला तो मक्खन ही होने वाला है। तो फिर ऑन योर मार्क्स और गेट सेट एंड गो। हम उससे आगे आ चुके हैं और इसकी तो अभी से सांस भी चढ़ गई है। चलो सलेम, हम बस पहुंच ही चुके हैं। देखो क्या, वो तो अभी हमारे पीछे था। ये नामुमकिन है। हेलो दोस्तों। कैसे 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 ये तुमने कैसे किया? बताओ कौन जीता? उबेद जीत गया। शाबाश उबेद। शुक्रिया। हाँ, तो अब मेरे ख्याल से किसी को उबेद के लिए पॉपकॉर्न खरीदना होगा। रुको, एक और रेस हो जाए, ठीक है उबेद? और अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें एक एक्स्ट्रा लार्ज पॉपकॉर्न और सैंडविच भी दिलाऊंगा। ऐसी बात है, तो जो कोई भी बिना लिफ्ट की मदद से सबसे पहले ऊपर पहुंचेगा वो जीत जाएगा। तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं उबेद। जानता हूँ, पर मैं ये करना चाहता हूँ, मजा आएगा। ओके, तो रेडी, गेट सेट एंड गो। मैं तो अभी से थक रहा हूँ। हार मत मानना सलेम, बढ़ते रहो, हमें उबेद को हराना होगा। चलो। मैं थक चुका हूँ। चलो। बहुत थक चुका हूँ। कोई बात नहीं, हम बस पहुँच ही गए, हम पहले पहुँचे। उबेद। हेलो दोस्तों, कैसे हो? बड़ी देर कर दी। ये कैसे, इसने कैसे किया? मुझे और हवा की जरूरत है, मुझे दो दो उबेद दिख रहे हैं। मैं समझाती हूँ, ये है उमर और इसे ही तुमने थिएटर से आइसक्रीम खाते वक्त बाहर निकलते देखा था। तुम्हें इस पर शक नहीं करना चाहिए था, ये तुम्हारा दोस्त है और तुम्हें इस पर यकीन करना चाहिए था। तुम्हें इसे माफ़ी मांगनी चाहिए। और एक एक्स्ट्रा लार्ज पॉपकॉर्न और एक सैंडविच भी खाऊंगा। मुझे माफ कर दो, मुझे तुम पर यकीन करना चाहिए था। आ, मुझे भी माफ करना उबेद। कोई बात नहीं दोस्तों, चलो चलकर फिल्म देखें। चलो बाय दोस्तों, मजे करना और फिल्म एंजॉय करना। क्यों, सीढ़ियों से नहीं जाओगे? तुमने बहुत अच्छा मजाक किया उमर, एक से निपटना मुश्किल था, अब दो हो गए, हद है।
ओ, माफ करना अंकल, टॉवल्स ले लो बच्चों। मैं क्या कह रही थी बच्चों, क्यों ना तुम सब लोग जंगल में थोड़ा घूम कर आओ। जंगल में? हाँ हाँ, जंगल में। हाँ, यहाँ से दूर चले जाओ। ये आइडिया बहुत बढ़िया है मरियम। ओह हाँ हाँ, वैसे भी मैं यहाँ बोर होने लगा हूँ अंकल। मुझे बोर होना पसंद है। पिछली बार जब हम जंगल में थे तो कुछ ज्यादा ही तूफानी कर लिया था। सही कहा, हमें काफी बड़ा सा बर्ड खाने वाला था। इससे ज्यादा और क्या कहें? कोई नहीं खाएगा, चलो ओबेद। नानो, मेरी मदद करना। बिल्कुल मंसूर। ओए, चलो दोस्तों। बच्चों, रिसोर्ट से ज्यादा दूर मत जाना। ठीक है मम्मी। मेरा फोन वापस दो। ओए नानो, रुको भी। नानो, बस वह लौटा दो फोन। ठीक है। शुक्रिया तुर्की, बढ़िया कैच था। ओ, फोन की बैटरी खत्म हो गई। किसे परवाह, अब जो हम यहाँ आ गए हैं तो चलो भी। अच्छा, तो अब हमें क्या करना चाहिए? वापस रिसोर्ट चले? बिल्कुल नहीं, चलो पहाड़ पर चलते हैं। देखो उस तरफ। क्यों ना हम वहाँ जाकर तैर ले, वो रास्ता समुंदर की तरफ जाता है। ब्रेकफास्ट बूफे, मैं 3 बार नाश्ता कर चुका हूँ, शायद मुझे थोड़ा चल लेना चाहिए। हाँ, और मुझे गर्मी लग रही है, मैं तैरूंगा। ठीक है, फिर अलग अलग जाते हैं और 1 घंटे बाद फिर यही मिलेंगे। ठीक है, बाद में मिलते हैं दोस्तों। जल्द मिलते हैं। बाद में मिलेंगे। बड़ी ठंड है, पूल इससे बेटर होता है। नहीं। प्यारी बिल्ली। आज फैसला हो जाएगा मंसूर। बनाना 1 और ओबेद 0। ये बहुत मजबूत है। ठीक है, 1 मिनट डंडा दो, आइडिया आया है। एक पतंग, तुम कमाल के हो। छोड़ दो। चलो भी, अब मेरी बारी। जाने दो, अब हमें वापस चलना चाहिए। जल्दी जंगल की तरफ चलो। जल्दी जल्दी। लगता है वो पीछे रह गया। वो कहाँ रह गए? तुर्की, सालिन। 1 सेकंड रुको, हम नानो की मदद से उन्हें ढूंढ सकते हैं। नानो, हमारे दोस्तों को ढूंढो प्लीज। ठीक है मंसूर। शुक्रिया नानो। ये टेक्नोलॉजी भी ना,
कमाल की होती है। तुम्हें लगता है हम यहाँ ऊपर सुरक्षित रहेंगे? पता नहीं, हम कोशिश तो कर रहे हैं ना। कम से कम वो तेंदुआ हमें यहाँ नहीं पकड़ पाएगा। आज पता चला तेंदुआ कहीं भी चढ़ सकता है। ऐसा क्या? एक सेकंड, तुम्हारे पास फोन है? ओ हाँ, मेरा फोन। सालिम, ये तुमने क्या कर दिया? जानता हूँ, बेहतरीन निशाना था ना। तुम पागल हो क्या? हम उस फोन से मदद मांग सकते थे। ओ हाँ, तुम पर चढ़ो, जल्दी जल्दी जल्दी। चलो यहाँ से निकलते हैं, हमें इसी वक्त यहाँ से जाना होगा। हम बस गए हैं, अब हम क्या करें? सालेम, तुर्की। नानो, ओबेद, देखो, ओह, ये तो तेंदुआ है। वो फंस गए हैं। हमें उनकी जल्दी मदद करनी होगी। मैं डैड को फोन लगाता हूँ। ओह, सिग्नल ही नहीं है। बचाओ हमें, हमारी मदद करो। मंसूर, अब हम क्या करें? चलो वापस पहाड़ी पर। वापस पहाड़ पर? तुम फिर से तलवारबाजी करना चाहते हो? चलो भी, ये खेलने का वक्त थोड़ी ना है। ये तलवारबाजी खेलने के लिए नहीं है। जाओ, जाकर जल्दी बड़े पत्ते लेकर आओ। क्यों? ताकि हम उन्हें उड़ाकर बचा सके। ठीक है, तुम इसे उड़ाने वाले हो? हम दोनों इसे उड़ाने वाले हैं। अरे नहीं। हाँ उबेद, जल्दी चलो। हमारे दोस्तों को मदद चाहिए, जल्दी करो उबेद। जो होगा सो होगा। अरे नहीं, लगते समय आ गया है। तुम्हारी बड़ी याद आएगी मुझे भाई। ऊपर देखो। तुम्हें कूदना होगा। देखो वो रहे साले। वो आ गए। मैं जब कहूँ हमारे पैर पकड़ लेना। ठीक है, मैं तैयार हूँ। नीचे क्यों जा रहे हैं? क्योंकि ऊपर तेंदुआ है। सालम, तुर्की, उबेद, अपने टांगे ऊपर करो। अरे बाप रे, जल्दी। इतना देर कहाँ लगा? देर से ही सही, हम आ तो गए। हाँ, ये टूटने से पहले हमें उतर जाना चाहिए दोस्तों। वो देखो, वो रहा रिजॉर्ट। ध्यान से। क्या अब हम बोरिंग सा कुछ करें? ये कुछ ज्यादा ही तूफानी था दोस्तों। हाँ, तुम सब लौट आए, तो क्या किया तुम सब ने? हमने पहाड़ चढ़े, जंगल देखा और जानवर भी देखे। जानवर देखे? बड़ा मजा आया होगा। क्यों ना तुम मुझे भी जंगल घुमा लाओ। अब जो तुम सारा घूमी आए हो, मैं यहाँ बोर हो गया हूँ। इन्हें क्या हो गया? क्यों ना हम इन्हें बोर होने देते हैं।
हेलो एवरीवन, मैं आपका कैप्टन खालिद बोल रहा हूँ। बहुत जल्द हम लैंड करने वाले हैं, तो प्लीज आप अपनी सीट बेल्ट बांध लें। उबेर, तुम क्या ये सच में करने वाले हो? मुझे सही नहीं लगता। वहाँ सच में क्या लैंडिंग की आपने कैप्टन? शुक्रिया बेटा। ये तुम्हें क्या हो गया उबेद? शायद उबेद नया फैशन ट्राई कर रहा है। स्टाइल का नाम है मिल्क शेक। तो ठीक है बच्चों, हम पहुंच चुके हैं। जब तक हम अपना सामान उतारते हैं, तुम सब जाकर घूम कर आओ। पर जरा संभल कर जाना बच्चों। अबेद, मेरी गलती नहीं थी, बस इस बच्चे ने मुझे डरा दिया था। ओहो, देखो तो इसे, कितनी प्यारी है। चलो दोस्तों, इसे अपने साथ ले चलें प्लीज। नहीं, हमें इसे यही छोड़ना होगा, ये इसका असली घर है। पर प्लीज मंसूर। नहीं अबेद, नहीं, ये एक जंगली बिल्ली है और यही इसका घर है। मंसूर सही कह रहा है उबैद। ठीक है ठीक है, बाय बाय छोटू सी प्यारी बिल्ली। तुम्हारा स्वागत है बच्चों, क्या तुमने मजे किए? हाँ बिल्कुल, बहुत मजा आया। आराम से बैठकर कुछ पियो, तुम लोगों ने बहुत मेहनत की है। तो जूस कौन पिएगा? ओबे, तुम कुछ नहीं पियोगे? हाँ, मुझे क्या दूध मिलेगा, वो एक कटोरी में? ओबे, तुम्हें दूध कटोरी में क्यों चाहिए? ओबेद, ये आवाज कैसी है? ओबेद, उफ, ये यहाँ कैसे आ गई? ओबेद, तुम इसके लिए वापस गए थे ना? ओबेद, ये एक जंगली बिल्ली है और जंगली जानवरों को घरेलू जानवरों की तरह नहीं रखा जाता है, तुम्हें इसे जंगल में ही छोड़ना होगा। पर ये कितनी प्यारी है अंकल। ये देखो, अच्छा लग रहा है ना? अब इसे यहाँ रख दो। ये रहा इसका खाना, ताकि भूख लगे तो ये खा सके। नानो, देखो एक जंगली बिल्ली। एक जंगली बिल्ली, देखने तो जरा। स्कैनिंग शुरू करते हैं। 30% डन, 50% डन। बस हो गया बच्चों,
इसे खेलना बंद भी करो, इसे थोड़ा आराम करने दो। बिल्ली की जांच जारी है। पता नहीं क्यों आप सब इतने परेशान हैं। ये तो बस एक छोटी सी बिल्ली है और कुछ भी नहीं। फिर हमें ये बिल्ली पहाड़ों में क्यों मिली ओबेद? ये बच्चा पैंथर पादस निम्न प्रजाति का है, जिसे हम अरेबियन पहाड़ी तेंदुए के नाम से जानते हैं। क्या? इसे घर से बाहर निकालना होगा। खालिद, मुझे इसका यहाँ होना ठीक नहीं लग रहा है। जरूर कोई गलती हुई है, ये वो नहीं है आंटी। ये बिल्ली का बच्चा कितना प्यारा है और शांत भी है। जैसा नानू ने कहा, ये वैसा जंगली तेंदुआ नहीं है। हमें उसे अभी वापस ले जाना होगा। उसकी माँ अगर उसे ढूंढते हुए यहाँ आ गई तो क्या करोगे? हम जाकर ले आते हैं। नहीं नहीं मत जाओ, वो सच में बहुत बड़ा है। तुम पागल हो गए हो, वो बहुत बड़ी और बहुत खतरनाक है। ओबेद, वो तो बस एक छोटी सी बच्ची है, देखो। देखिए उसकी माँ उसके बच्चे को लेने आ गई है। मैंने कहा था ना, पर किसी ने मेरी बात ही नहीं मानी। अब हम क्या करेंगे? हमें इन्हें कैसे भी करके इनके घर वापस ले जाना होगा, पर हम कैसे करेंगे? आइडिया, मैं समझ गया। हमें थोड़ा सा मीट चाहिए, एक बड़ा डब्बा और नैनो। शाबाश मेरे बच्चों, बहुत अच्छा काम किया। बाय बाय मेरे प्यारे फ्लफी। फ्लफी? कैसे हो दोस्तों? मैं तुम सबको एक कमाल की चीज दिखाता हूँ। देखो क्या मिला। क्या तुमने कभी आज तक इतना बड़ा मुर्गी का अंडा देखा है? मुझे नहीं लगता ये अंडा मुर्गी का है। नानो, क्या तुम इसकी प्रजाति का पता लगाओगे? हाँ जरूर, प्रोसीजर शुरू। इसकी पहचान हो गई है। ये अंडा एक विशाल टॉर्टस का है, जो कि 4 फीट की ऊंचाई तक बड़ा हो सकता है। ओबेद, हमने क्या कहा था?
फाइट फैंस का स्वागत है नेशनल जुजित्सु जिम के इस बहुत ही ज्यादा जरूरी ग्रेडिंग फाइट्स में। और आज का पहला मैच होगा येलो बेल्ट कैटेगरी में। प्लीज जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। आज इस मंच पर आने वाले पहले फाइटर है हम सब के चहेते सालेम। और आज हमारे रेफरी सालेम को देखकर टेंशन में आ गए हैं। मंसूर, क्या तुम हमारे घर बैठे दर्शकों को समझाना चाहोगे कि वो क्या देख रहे हैं? लगता है सालेम को सेफ्टी की चिंता है। सही कहा मंसूर, हमेशा ही होती है ना, सालेम ऐसा ही तो है। चलो सालेम, शुरू करो। लेडीज एंड जेंटलमैन, हम शुरू कर रहे हैं। रेडी। तुम्हारे पीछे, तुम्हारे लेफ्ट में, पीछे, अब वो तुम्हारे लेफ्ट में, अरे साइड पर, बीच में, पीछे। जीत गया। अबेद, जमाल, चलो अब तुम दोनों की बारी है। हाँ। घबराओ मत। क्या कर रहे हो? रुको। नहीं, यही रुको, रुको। ठीक तो? क्या हो रहा है ये? Oh.
इस साल मंसूर मुझे हरा दे, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उसे अफसोस होगा कि वो यहाँ आया ही क्यों। हाँ जरूर, पर तुमने तो पिछले साल भी यही कहा था ना, याद है ना? हाँ। हाँ याद नहीं, जब मंसूर ने तुम्हारी कलाई लॉक कर दी थी और तुम्हें दर्द हो रहा था। ये वाला मुझे याद है, तुम्हारी बहुत बुरी हालत हुई थी। याद है जब तुम फिसल कर गिर गए थे? इसे तो मैं आज देख लूंगा। बस करो, अब उन सारी बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बार जो प्लान बनाया है उसकी वजह से इस बार सिर्फ मैं ही जीतूंगा। कैसे? हाँ, इनकी मदद से। चलो अब जल्दी से इन्हें मुझ पर लगा दो। चलो जल्दी करो, इस वाले पे भी बांध दो। अब मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं मंसूर को बेहतरीन सबक सिखा कर अपने लिए ग्रीन बेल्ट ले लूंगा। मंसूर ने तो उसकी कलाई लॉक कर दी। हाँ तुमने सही कहा। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। मुझे छोड़ो। इनकी दोस्ती हमेशा से गहरी रही है। लगता नहीं अभी ने कोई अलग कर पाएगा। We'll be right back.
ध्यान से चौकन्ना रहना दोस्तों। उबैद वहाँ देखो, वो आ गया, वो आ गया। फिर से नहीं, कोई ग्लिच हुआ क्या? हाँ माफ करना, पर सच में बेहतरीन अनुभव था। ओ, बिल्कुल असली लग रहा था। जानता हूँ, पर मैंने सोचा था कि मैंने सारे ग्लिचेस सुलझा दिए थे। एक बात बताऊँ, ये गेमिंग सिस्टम कुछ ही हफ्तों में रिलीज होने वाला है। एक छोटा सा ग्लिच मेरे महीनों की मेहनत को बर्बाद कर देगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये हुआ कैसे। बदकिस्मती से मेरे पास इस वक्त टूल्स नहीं है जिनसे मैं चेक कर पाऊँ। शायद मैं मदद कर सकूँ। नानो, क्या तुम इसका कंप्लीट सिस्टम स्कैन कर लोगे प्लीज? ये सिस्टम 6 प्लेयर्स के लिए सेटअप नहीं हुआ है। 6 प्लेयर्स? 4 लोग खेल रहे थे। गेम में 6 प्लेयर्स थे, 2 प्लेयर्स अब भी खेल रहे हैं, मेरा विश्वास करो। मेरा लाजवाब और बेमिसाल गेमिंग प्लेटफॉर्म हैक हो रहा है। जल्दी बताओ वो कहाँ है? लेवल 8 यानी कि जंगल लेवल पर है वो। जंगल लेवल पर? वो लेवल टॉप सीक्रेट है। ये टॉप सीक्रेट है? फिर कौन होगा? जरूर समीर और मुनीर ही इस सब के पीछे हैं। वो दोनों बदमाश शरारती चोर और हैकर्स हैं। अगर उन्होंने बैकडोर कोड पता लगा लिया तो वो मेरा ये गेम पूरा चुरा लेंगे। उनके आगे बढ़ने से पहले मुझे उन्हें रोकना ही होगा। वो कोड जंगल लेवल में ही है। ऐसी बात है तो तुम जल्दी से जाओ और उन्हें रोक दो। मैं एक बेहतरीन डेवलपर हूँ, पर मैं तुम लोगों की तरह गेमर नहीं हूँ। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ये गेमिंग सिस्टम तो कमाल का है। सही कहा, मजा तब आएगा जब हम इसे अपने ऑनलाइन फोरम पर डालेंगे। हमारी साइट को बहुत सारे हिट्स मिलेंगे। सही कहा। अच्छा हुआ महमूद ने एक सीक्रेट बैकडोर रखा था। वैसे सच कहूँ तो हमारी किस्मत ही खुल गई मुनीर। मुझे यकीन है कि उसने सोचा होगा कि किसी को पता ही नहीं चलेगा। हाँ समीर, अब बस हमें उस तैरते लाल दरवाजे तक जाना है। जानकारी हमारी हो जाएगी। इतना आसान है। हमसे पहले पहुंचोगे तब ना। ये आसान है। ये बढ़िया ही है। ज्यादा आसान गेम मुझे पसंद ही नहीं आता है। चलो खेलते हैं। फिर मिलेंगे। बाय बाय। वो हमसे बहुत आगे चले गए। वो बहुत तेज भी है, हम उन्हें वक्त रहते नहीं पकड़ पाएंगे महमूद। मुझे बिल्कुल डर था कि ऐसा ही होगा, इसलिए मैंने दूसरी गेम्स भी डाउनलोड कर रखी थी। मुझे बस उन्हें इस गेम से मिला देना होगा, इससे उन दोनों की रफ्तार कम हो जाएगी। देखो वो रहा दरवाजा। चलो चले। अब हमें क्या करना चाहिए? बचकर निकलने का मोड चालू करो। क्या सच में? चलो ऊपर चले। मुझे उनकी मदद करनी होगी। ये एक खास गेमिंग डिवाइस है। इस खेल की मूव्स तुम्हारी सोच जितनी ही हो सकती है। तुम्हें अपनी सोच का इस्तेमाल करना है। ठीक है, वही तो मैं सबसे अच्छा कर लेता हूँ। दोस्तों तुम्हें क्रिएटिविटी यूज करनी होगी।
दोस्तों, उबेद कहाँ है? अरे वाह, क्या क्रिएटिविटी दिखाई है उबेद! बड़ा मजा आ रहा है! अरे नहीं, ये तो कभी खत्म नहीं होगा। इन्हें रोकने का एक ही तरीका है कि इन्हें गेम से निकालना होगा। मतलब हमें जाकर मॉल के सिक्योरिटी सर्वर्स बंद करने होंगे। सही कहा, तुम मेरे साथ चलो और तुम दोनों पूरी कोशिश करना कि तुम उनसे पहले लाल दरवाजे तक पहुंच जाओ। अगर पहुंच गए तो दरवाजे के पास लगी घंटी को बजा देना, ठीक है दोस्तों? उससे बैकडोर डिलीट होगा और वो सिस्टम से बाहर निकाल दिए जाएंगे। क्या? पर गुड लक दोस्तों, जल्दी चलो। माफ करना, हम जरा जल्दी में हैं। वापस आओ। नहीं, उसमें चलो। रुको। हेलो, मैं फरीद बोल रहा हूँ। इस वक्त दो बच्चे बगी चुरा कर यहाँ से भाग रहे हैं। अब जल्दी से यहाँ बैकअप भेजो। कहाँ जा रहे हो? रुको। ओ, नहीं। ओ। ओ? मैंने कहा रुको, रुक जाओ। ये बेहतर है। क्या बात है, हमें और डायनासोर मिल गए। डायनासोर हमारा पीछा छोड़ते ही नहीं है। मैं तंग आ चुका हूँ। हाँ, अभी के लिए भागो। जल्दी। देखो बीच में खाई है। देखो मंदिर। हमें बस कूदना होगा। नहीं, तुम्हें बस अपनी सोच में खुद को ये करते देखना है। काम बन जाएगा, बस मेरे पीछे आओ। ओ सालिम। पकड़ो, रुको, रुको, रुको। देखो वो वहाँ है। जो होगा सो होगा। मुझे इसने हरा दिया। इसने अब हम बाकी गेमर्स को अपना हारा हुआ मुंह कैसे दिखाएंगे? हम भी तो इन्हें ही रोकने आए थे यहाँ। चलो खेल खत्म। अब पता चला कि तुम्हारे गेमिंग सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं है। बस ये जल्दी रिलीज हो जाए। इसे टेस्ट करने में मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया दोस्तों। सिस्टम के रिलीज होते ही सबसे पहली कॉपी तुम ही लोगों को दी जाएगी। मैं एक और नए गेम पर काम कर रहा हूँ जो तुम्हें पसंद आएगा। उसका नाम है दी अल्टीमेट डायनासोर पार्क। ओ नहीं।
सालिम हारने के लिए तैयार हो जाओ। ये क्या? जैसे मैं पिछली बार हारा था। चलो इस बार तुम तो गए, ये लो। दोस्तों मेरा नया इन्वेंशन देखो। आखिरकार तुमने लेजर गन बना ही ली। ओबेद, ये लेजर गन नहीं है, ये मेरा नया इन्वेंशन है। ये एक किस्म का सुपर हियरिंग एड है। तुम्हारे कान को हुआ क्या? कुछ भी तो नहीं, पर इससे और बेटर हो जाएंगे। देखो। हाँ। तुमने होमवर्क खत्म किया? हाँ, बहुत इजी था। मैंने सुना मॉल में एक नई बुटीक खुली है। दूसरों की बातें सुनना अच्छी बात नहीं है, पर हम इससे क्या कर सकते हैं? मैं अभी मीटिंग पॉइंट पर पहुंचने ही वाला हूँ। किसी ने तुम्हारा पीछा तो नहीं किया ना? रुक जा, ओबेद, इसे फिर उस आदमी की तरफ मोड़ो। क्या इसकी तरफ? तुम ठिकाने पर पहुंच जाओ। काम का क्या हुआ? रास्ता साफ है ना? रास्ता साफ है। आई रिपीट, रास्ता साफ है। क्या कह रहे थे? लगता है ये जासूस है। मैं 30 सेकंड में कैफे पहुंच जाऊंगा। चलो उसका पीछा करें। हाँ, एक जासूस का पीछा? क्या ये करना एक अच्छा आइडिया होगा? हम नहीं जानते कि वो जासूस है या चोर। सालिम, शायद उसे वहाँ सिर्फ कॉफी पीनी हो। ये क्या, वो अचानक गायब हो गया। फिर तो वो जरूर एक जासूस है। चलो। ठीक है, अब वो हमें मिल नहीं रहा, तो क्यों ना हम आइसक्रीम खाने चले। इसकी मदद से हम उन्हें ढूंढ सकते हैं। आज रात निकलेंगे। प्लान बड़ा आसान है। तुम्हारे पास मशीन तो है ना? वो देखो, वही है। वो उन पेड़ों के पीछे है। चलो दोस्तों। आज बगदाद का सितारा हमारा हो जाएगा। फिर हम माला माल हो जाएंगे। पर जब हम इसे पूरा करें, एक गलती और सब कुछ खत्म। जाना कब है? हम आज रात ही अंदर जाएंगे। बंद होने से पहले हम अंदर जाकर छुप जाएंगे। उसके बाद हम दोनों अपना काम शुरू करेंगे। हाँ। बगदाद का सितारा कौन है? बगदाद का सितारा। हाँ सुनो, जवाब मिल गया, लेकिन तुम यकीन नहीं करोगे, वो दुनिया का सबसे बड़ा हीरा है। यानी कि ये लोग जासूस नहीं है, ये तो चोर है। हमें उन्हें रोकना होगा। पर हम जानते ही नहीं कि वो कहाँ जा रहे हैं। सिंपल है, उनका पीछा करेंगे। बगदाद का सितारा यहाँ पर है। पर ज्यादा देर रहेगा नहीं अगर हम उन चोरों को रोकेंगे नहीं तो। हमें किसी को बताना होगा। चलो। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? बात बगदाद के सितारे की है। हमने कुछ चोरों को उसे चुराने का प्लान बनाते सुना। बगदाद का सितारा चुराएंगे? क्या ये झूठ है? नहीं, सच है। पहले पहले हमें भी लगा कि वो जासूस हैं, पर बाद में पता चला कि वो आपका हीरा चुराने वाले हैं। वो कौन है? जितना तक हम जानते हैं वो चोर दो लोग हैं सर, और उनका आज ही चुराने का प्लान है। कितनी बेहतरीन इमेजिनेशन है तुम्हारी। बगदाद का सितारा इस म्यूजियम से चुरा पाना नामुमकिन है। बच्चों, हमारी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा सख्त रखी गई है। हमें नहीं पता वो कैसे चुराएंगे। आपको हमारी बात का विश्वास करना ही होगा। हमने उनका पीछा किया। चलो फिर मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि हमारी सिक्योरिटी कितनी टाइट है। अब पेश करता हूँ बगदाद का सितारा। लाजवाब! ये दुनिया का सबसे बड़ा हीरा है। कहा जाता है ये वक्त से भी ज्यादा पुराना है। बहुत सी महारानियों ने पहना, पर कोई इसके आगे टिक नहीं पाई। ओ, कितना बड़ा है। अच्छा तो फिर क्यों ना तुम इसे लेने की कोशिश करो। हाँ? आगे बढ़ो, बस इसे उठाने की कोशिश करो। एक पिंजरा। वही तो, हमारी खुशनसीबी है जो मेरे पास ई कार्ड है, बाहर निकलने का रास्ता।
सर कुछ प्रॉब्लम है? बस एक टेस्ट था अजीज, मैं बच्चों को दिखा रहा था कि हमारा अलार्म सिस्टम कितना सख्त है और हमारा हीरा कितना सुरक्षित। ठीक है। अरे वाह, मुझे ये पसंद है। लेजर वायर से बेहतर है, इनमें से एक मक्खी तक नहीं जा सकती। जैसा कि तुमने देखा, बगदाद का सितारा पूरी तरह सुरक्षित है। ये इकलौती की है। बंद करने का वक्त हो गया, अब हमको निकलना चाहिए। मेरी बीवी है, मुझे जाना होगा, तुम सब अपने आप निकल जाना। और हीरे की चिंता मत करो, उसे कुछ नहीं होगा, वो सेफ है। ओह, मैं अपना डिवाइस डायरेक्टर सर के ऑफिस में भूल गया। सुनो, हमें बस यहाँ बाकियों के निकलने तक रुकना होगा, उसके बाद हम अपना काम शुरू करेंगे। वो चोर वो यही कहीं है, हमें सर को बताना ही होगा। कोई फायदा नहीं, हम लॉक हो गए। ओ वाह, एक डरावने से म्यूजियम में दो चोरों के साथ, और इससे बदतर क्या हो सकता है? अब हम क्या करें? हम पुलिस को बुलाएंगे। मेरी बैटरी खत्म हो गई है। हाँ, मेरी भी। मेरा फोन तो पूरी तरह से चार्ज्ड है, पर वो घर पे है। लगता है वो आ गए। जल्दी ऊपर चलो। वो देखो हीरा। अब कभी भी अलार्म बज जाएगा। बहुत बढ़िया सही। उन्होंने हीरा ले लिया है, हमें उन्हें भागने से रोकना ही होगा। पर अब हम क्या करें? हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। ये! रुको, मेरे पास इससे भी अच्छा प्लान है। ये सब ठीक है, पर मेरा जादू देखो। देखोगे? हे हे। मंसूर, ये क्या कर रहे हो? तुम्हारा शुक्रिया बच्चों, तुम ना होते तो ये सितारा यहाँ नहीं होता। तुम सब जब चाहो इस म्यूजियम में आ सकते हो, वो भी बिना फीस के। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। और मुझे माफ कर दो बच्चों, जो मैंने तुम्हारी बात पहले नहीं मानी। मुझे आपके लिए भी मशीन बनानी चाहिए। Ha 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 ha!